जय श्री नाथ बाबा गुरु भगवान जय श्री देवीनाथ का 81वां निर्वाण दिवस भूणाभाई स्थित नाथ बाबा मंदिर प्रतिमा जौरी में श्रद्धा और विश्वास से मनाया गया। दिसंबर को सुबह शक्ति कुंज के दर्शन किए। इस मौके पर प्रभात फेरी करते हुए बाबा के उपासक भक्त अनुयायी और सभी श्रद्धालु केसरिया झंडा लेकर शक्ति मठ जय श्री नाथ मंदिर पहुँचे। मंदिर पहुँचकर बाबा की समाधि को गुलदावरी और गुलाब के फूलों से सजाया गया और भजन संध्या का कार्यक्रम हुआ। आज भगवान देवीनाथ जी का 81वां निर्वाण दिवस शक्तिमठ प्रतिमा जौहरी आश्रम पर मनाया जा रहा है। सदगुरु श्री देवीनाथ बाबा ने 1938 में जिंदा समाधि ली थी 1 दिसंबर को। उसके बाद से जब से मेरे को उन्होंने ये आशीर्वाद दिया और दायित्व दिया, जब से मैं उनका हर साल निर्माण दिवस मनाता हूँ। निर्माण दिवस के उपलक्ष्य पर जो मेरे शिष्य हैं या और भक्त हैं उनके, वो सभी आकर शक्तिमठ पर समाधि की परिक्रमा करते हैं और गुलाब से गुलदावरी से उनको सजाते हैं। उसके बाद परिक्रमा की सात परिक्रमा लगाते हैं और प्रभात फेरी निकालते हैं और बाबा के भजन गाए जाते हैं। मेरे भक्तों में कुछ जरूरत से ज़्यादा उत्साह रहता है। वो सोचते हैं कि उन्होंने दादा गुरु को देखा नहीं है, और मैं जब उनको ये बताता हूँ कि दादा गुरु की क्या क्या लीला हुआ करती थी और उन्होंने समाज के लिए क्या क्या अच्छे कार्य किए, उससे सुनकर ही जो भक्त उत्साहित होते हैं तो वो ये चाहते हैं कि एक बार बाबा के दर्शन हो। तो मैं जब सुबह 5 बजे ध्यान में बैठता हूँ तो सभी भक्तों को ध्यान दर्शन कराता हूँ और उसके बाद सारे कार्यक्रम चालू होते हैं। रोड के प्रसाद के बाद भंडारा और अन्नकूट का प्रसाद बांटा जाता है। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।